ये अचानक कैसे हो गया? हम सब तो सेलिब्रेट कर रहे थे। ये क्या हुआ टॉनिक? मैंने तुम्हें खो दिया। ओह, कम से कम मेरे पास अभी मरे हुए आशिकों का ढेर लगा है। मेरी मीट कहाँ है? मेरी मीट कहाँ है? हे हे हे, सब रखो, सब ठीक है, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसका नाम बताओ। वेलिंगटन, वेलिंगटन। कुछ स्टेक्स गायब हैं, तो मुझे काम पर लगना होगा। इंसानों को मारने की बात से इतना जोश मुझ में कभी नहीं आया, सच कह रहा हूँ। वहाँ बहुत सारे फूड्स को मदद चाहिए, मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग आओगे? क्या हुआ? शायद तुम दोनों को सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम सोचते रहो, मैं आता हूँ। सब खत्म हो जाएगा। सब खुदकुशी कर ले। ये क्या था? दोबारा वैसा ही होगा। अब हम क्या करेंगे? ठीक है ठीक है, सब लोग जरा ठंड रखो, हम हर सवाल का जवाब देंगे। शुरू हो जाओ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हमें खुशी है कि आपने इतने सारे सवाल किए हैं और हम आपके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और हम चारों दिशाओं में घूमकर आपके जवाब ढूंढ कर लाएंगे। ढूंढ कर लाओगे? ये कुछ भी नहीं जानते हैं, सब नाटक है और ये एक्टर्स भी बहुत बुरे हैं। ठीक है, हम फिलहाल नहीं जानते, पर हम एक बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि आप सब घबराइए मत। क्या यहाँ किसी ने कहा घबराइए मत? मेरी फट रही है यार। बाहर में जाओ तुम दोनों, मैं वापस दुकान में जा रही हूँ, वहाँ हम सेफ तो थे। चलो सब। सब जा क्यों रहे हो? फूटोपिया का क्या होगा? फूटोपिया का वजूद नहीं होगा। सैमी ऐसा मत बोलो यार। क्या तुम्हें लगता है यहाँ स्वर्ग जैसा कुछ भी है? जरा अपने आसपास देखो, यहाँ अंधे फल और फूटी हुई सब्जियाँ भरी हुई हैं। तुम्हें लगता है कि हमें क्रांति की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं, दुनिया पहले से ही भली थी दोस्त। अब अगर तुम इजाजत दो तो वहीं वापस जाना चाहूंगा जहाँ से मैं आया था। स्टोर ढहने वाली है। तो क्या हुआ? अंदर के हालात बाहर से अच्छे हैं। हार मान ले सॉसेज के बच्चे, वरना हमें ये बताओ कि आखिर वहाँ बाहर छत से अचानक पानी टपकना कैसे शुरू हो गया? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हमारी पूंछ लग गई है। ये सब हमें ही ठीक करना होगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, काश गम हमारे साथ होता। हे फ्रैंक, क्या लगता है गम क्या कहने वाला था? मतलब मरने से पहले ज्ञान से ज्यादा जरूरी क्या है? शायद वो कहने वाला था बिंदास जीना। मतलब बिंदास जीना तो बहुत जरूरी है, पर ऐसा लग रहा है ये गम नहीं कह रहा था। अब बताओ, बिंदास होकर जियो। सच कहूं तो लगा कि गम बोल रहा था, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें गम वाली बात नहीं। यही तो जिंदगी की दिक्कत है, हमारे पास ज्ञान होता तो जवाब भी होता। अगर इन बेवकूफों में से एक को भी जिंदा रखा होता ना, तो शायद हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता। ओ फ्रैंक, यकीन नहीं होता, हालात इतने बुरे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इंसान यहाँ होता।